इस घटना का जो दुख है, मैं पिछले मैंने कल शाम से मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को कि अंदर में बहुत सी चीज़ें आ रही थी, उबाल आ रहा था, लेकिन एक समय के बाद मैं लगता है कि इसमें हम लोग अब क्या ही करें। तो एक सामाजिक इशू है ये, एक पारिवारिक और सामाजिक इशू नज़र आता है, क्योंकि अब हम लोगों को जिम्मेवार समझना होगा। और कहीं कहीं खुद को गिल्ट होता है कि शायद कहीं हम तो जिम्मेवार नहीं हैं इसके, कि समाज में अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ में। तो कहीं ना कहीं परिवार, समाज, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा जिम्मेवार माना जा सकता है। मुझे बस यही अफसोस हो रहा है कि कब तक हमारे हमारे देश की लड़कियां, युवतियां इस तरह आग और एसिड का आ, 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 काल बनती रहेंगी। उनके उनके साथ इस तरह की दरिंदगी कब तक चलती रहेगी, और कब तक हमारा समाज है, हमारी सरकार है, वो ऐसे लोगों को किसी तरह से, मतलब मैं ये कहूंगी कि किसी तरह से उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की पोलाइटनेस ना की जाए।